बहुत ही मान सम्मान के योग मेरे पिता तुले बुजुर्गों, भारी संख्या में आए हुए नौजवान बच्चों और मेरी ताकत, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं ये कहूंगी कि इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो, मैं एक एक माता और बहन का बहुत मन से धन्यवाद करूंगी कि कब से सुबह से आप लोग 11 बजे से बैठे हो, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान प्रदेश महिला अध्यक्ष शीला ब्यान जी, संगठन के सचिव राजेंद्र लितानी जी, जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, जो बहुत ही कर्मठ है, मैं ज्यादा उनके लिए कहूंगी कि बहुत नरम स्वभाव के हैं कृष्ण राठी जी तो, और बहुत मेहनती भाई रमेश गोदारा जी, बहन शीला चहल जी, दयानंद कुंडू जी, पद्मा सिंगला जी, विनोद सिंगला जी, दरबारा देशवाल जी, सत्यनारायण सरपंच जी, अनिल कुंडू जी, मिसिज राठी, निर्मला राठी जी, रामेर जी अध्यक्ष बीसी सेल, सुमन जी, डॉक्टर सरोज पूनिया जी और पूरा सम्मानित मंच, जो लोग भी रह गए हो, मैं एक एक आए हुए कार्यकर्ता का और मंच पर विराजमान सभी महिलाओं का, जितनी भी जिला अध्यक्ष आई हुई हैं, बाकी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मेरी बुजुर्ग जो 94 और 95 साल की माताएं हैं, मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करूंगी कि आपके बिना शायद ये हरी चुनरी चौपाल जो है ना वो अधूरी है, क्योंकि जब आप भी मंच पर आगे बैठते हो तो मुझे लगता है मेरा तो हौसला 10 गुना बढ़ गया। और इसी चीज के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि मैं आप लोगों से मिल सकूं, आप लोगों से रूबरू हो सकूं और अपने मन की बात कह सकूं और आप लोगों के मन की बात मैं सुन सकूं। और जो महिलाएं, मैं बार बार हर जगह कहती हूं कि आप लोग चाहे 2 शब्द बोलो, घूंघट में बोलो, कुछ भी सीधा आके बोलो, पर मैं गांव से आई हुई जितनी माताएं और बहनें, मैं उनसे कहूंगी कि आगे जब भी आपके यहाँ प्रोग्राम हो, आप में से जरूर 2-3 महिलाएं बोलनी चाहिए। बोल लो, कुछ नहीं होता बोलने में, मैं भी बिल्कुल आप जैसी हूँ, घर गृहस्थी वाली महिला हूँ। ये तो परिस्थितियों ने मतलब ऐसा चक्कर घुमाया कि कहाँ राजनीति में मेरा प्रवेश हो गया, अजय जी का जेल जाना हो गया और मैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है मुझे आप लोगों से मिलना था, तभी भी भगवान ने ऐसा पहिया घुमाया कि हम लोग आमने सामने। आज मैं कहूंगी 4.5 साल से बीजेपी राज कर रही है और महिलाएं हैं, तो मैं महिलाओं की बात से ही शुरू करूंगी कि 4.5 साल में बीजेपी ने महिलाओं के लिए जो है वो इतने बड़े बड़े नारे दिए थे। सबसे बड़ा नारा था उनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहूंगी आज के दिन ना तो हमारी बेटियां जो है वो बचने में सुरक्षित, आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आए दिन बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, मार मार के उनको झाड़ियों में फेंका जा रहा है, कितनी बहन बेटियों की किडनैपिंग हो रही है, कितने आज हरियाणा में मर्डर हो रहे हैं। तो सारी एवरेज अगर हम निकाल के देखें असुरक्षा की भावना से, तो आज जो है वो हरियाणा 5वें पायदान पर आगे। हम लोगों ने तो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, हम बिहार से बहुत ज्यादा आगे आगे, क्योंकि इतना क्राइम पहले मैंने हरियाणा में कभी नहीं देखा था। अगर हम याद करें वो हरियाणा जो चोई देवीलाल जी के टाइम में था, कितनी सुरक्षित थी सारी महिलाएं, बिल्कुल आजादी से वो शाम तक अपने भार का काम निपटा के आराम से बसों के द्वारा घरों में आया जाया करती थी। आज तो हम घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते, गली में जब हम जाते हैं तो हमें ये डर लगता है पता नहीं कौन आजे चेन खींच के ले जाए, पता नहीं कौन आजे पिस्टल से किसी को मार दे, पता नहीं कौन आजे धक्का दे दे। तो आज के दिन अगर हम देखें तो महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और मैं बात शिक्षा की करूं तो अभी भाई साहब ने कहा था कि पीलूखेड़ा में कॉलेज, हम विधानसभा में हरियाणा के लिए नए कॉलेज और स्कूल अपग्रेड करने के लिए मैंने कल भी ये आवाज उठाई थी कि महिलाओं जो है उनकी जो बेटियां हैं वो शहरों में जाते हुए, क्योंकि हमारी रोडवेज की जो सुविधा है वो इतनी अच्छी नहीं है कि लड़कियां हर दिन
शहर में पढ़ने के लिए जाया करें। तो जो गांवों के स्कूल है, मैंने कल मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे थे विधानसभा, तब मैं उनसे कहा था कि आप गांव के स्कूल, जो स्कूल 8वीं के हैं उनको 10वीं का कर दो, जो 10वीं के स्कूल आप 12वीं का कर दो, क्योंकि बहन बेटियां जो है वो 12वीं तक 8वीं के बाद शहरों में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। और वो ना जाने की वजह है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो बच्चों को 12वीं के बाद घर गृहस्थी का काम सिखा के और उनकी शादी कर देती है, और लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं पाती आगे। तो बार बार कहने के बावजूद भी, 4.5 साल के पीरियड में हजारों बार कहने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने आज तक हरियाणा का कोई भी स्कूल अपग्रेड नहीं किया, कोई भी नया महाविद्यालय नहीं आया। तो ये क्या क्या पढ़ेंगी हरियाणा की बेटियां? ऐसे में शिक्षा नहीं होती। जब आपका संगठन मजबूत होगा, जब आप एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़ोगे, और महिलाएं एक बहुत बड़ी चेन बनाएगी, क्योंकि हरियाणा में अगर हम मतदाता की सूची देखें तो 50% जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी है वोट डालने में। जितने पुरुषों के वोट है उतने ही वोट जो महिलाओं के हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हर महिला जो है वो अपनी शिक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोग जागरूक हो जाओ, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपके वोटों की ताकत जो है वो सरकार को पता नहीं चलेगी आने वाले की। तो आगे का जो समय है वो आपका नया नया जो पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल नई पार्टी बनी है, नया ही आपका झंडा और डंडा है। तो मैं हर आयु महिला से कहूंगी कि एक एक महिला अपने साथ 10-10 महिलाओं को जोड़ने का काम करो। 10-10 महिलाएं जोड़ोगी तो आपका संगठन मजबूत होगा, संगठन आपका मजबूत होगा तो ही आपकी पार्टी मजबूत होगी, और अगर पार्टी मजबूत हो तो ही आपका ये जो लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है आपका एमपी बनेगा। और मैं एक बात और कहूंगी कि कहते हैं कि नीचे का वोट जेजेपी को और ऊपर का वोट बीजेपी को, ये बिल्कुल नहीं। आप अपना जो वोट है वो ऊपर का वोट भी जो जेजेपी का कैंडिडेट हो उसको देने का काम करो, क्योंकि जो लोकसभा का सांसद बन के जाता है ना उसके पास विधायक से भी ज्यादा पावर होती है, उसको बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट मिलती है। जब आपका एमपी होगा तो आपके यहाँ कॉलेज खुलने के भी काम होंगे, आपके गांव के बहुत बड़े बड़े काम होंगे, आपके शहरों के बहुत बड़े बड़े काम होंगे। तो वोट डालते टाइम इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि आपका सिंबल क्या है, लोकसभा में कौन आपका प्रत्याशी है, और आगे आने वाले विधानसभा में हम लोग कहते हैं कि हमारा भावी मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत है। बातों से नहीं, मैं ये कहूंगी कि संगठन को मजबूत करो। हमने वो राम सेतु बनाना है, राम सेतु का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने एक एक विधायक बनाना है। एक एक विधायक अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो ही जननायक जनता पार्टी की सरकार आएगी और आपका मनपसंद जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। और जब आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं कहूंगी कि 58 वर्ष जो महिलाओं की पेंशन है, जो दादाजी ने 100 रुपए से शुरू की थी, वो पेंशन महिलाओं की जो उम्र है वो 55 वर्ष और पुरुषों की जो उम्र है वो हम लोग 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और जो पेंशन है वो 2000 से बढ़ाकर हम लोग 3000 करने का काम करेंगे।